हेलो गाइस, क्या आप भी कुछ इस प्रकार से दिवाली के लिए फोटो वाला स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो? तो दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है आप अंत तक जरूर देखिएगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पिक्सल वे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप पिक्सल वे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको सिंपली देखें, यहाँ पर न्यू टेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर जाकर इस न्यू टेस्ट को कर देना है डिलीट। डिलीट जैसे ही आप करोगे, उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको कोने में दिख रहा होगा थ्री बिंदी वाला ऑप्शन, तो आपको सिंपली थ्री बिंदी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। थ्री बिंदी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इमेज साइज वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और आपको सिंपली यहाँ पर जो 1280 है तो आपको सिंपली इसको 720 यहाँ पर कर देना है। जैसे ही आप कर दोगे, उसके बाद आपको सिंपली देखिए यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वह कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और आप जैसे ही कलर वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको सिंपली यहाँ पर वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप वाइट कलर को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। प्लस वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर टेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको सिंपली यहाँ पर सेकंड नंबर में चले जाना है, और उसके बाद आप सिंपली यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको सिंपली इस टेस्ट को कट कर देना है, और आपको सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है कमिंग। सोन जैसे ही आप इतना टाइप कर दोगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ए बी फॉन्ट वाला, तो आपको सिंपली ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको सिंपली यहाँ से आप अपने मन का एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ से एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, और इसका जो साइज है आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है इतना। जैसे ही आप इतना कर दोगे, उसके बाद आपको सिंपली फिर से प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक, और आपको सिंपली यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आप अपनी गैलरी में पहुँच जाओगे। तो आप सिंपली देख सकते हो कि हम अपनी गैलरी में पहुँच चुके हैं। तो आपने सिंपली जहाँ पर लक्ष्मी माता की फ़ोटो रखी हुई है, तो आपको सिंपली उस फोल्डर पर जाकर आपको सिंपली उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप फोटो को सिलेक्ट कर दोगे, तो उसके बाद देख सकते हो कि हमारी जो फोटो है वह यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको सिंपली इस फोटो को अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर देना है कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप अच्छी तरह से फोटो को फिक्स कर दोगे, तो आपको सिंपली फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना है, और फिर से आपको यहाँ पर टेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। और आप सिंपली जैसे ही टेस्ट को सिलेक्ट करोगे, तो आप सिंपली एडिट पर चले जाना है, और आपको जो देखिए यहाँ पर पहले से टेस्ट दिख रहा है, तो आपको सिंपली इस टेस्ट को कर देना है कट, और आपको सिंपली यहाँ पर डेट लिखनी है कि ऐसे कुछ इस प्रकार से, मतलब कि जितने तारीख को यहाँ पर दीपावली है, तो आपको सिंपली उसी डेट को यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे ही आप डेट को टाइप करोगे, उसके बाद आपको सिंपली कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपको सिंपली कुछ इसे इस प्रकार से यहाँ पर नीचे लाना है, और आपको सिंपली यहाँ पर चले जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन पर, और आपको यहाँ भी कुछ इस प्रकार का फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है, और इसका जो साइज है इसको कर देना है इस प्रकार से बड़ा। जैसे ही आप इतना करोगे, उसके बाद आपको सिंपली फिर से प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक, और आपको सिंपली फिर से टेस्ट पर जाना है, और आपको सिंपली इस फिर से एडिट पर जाना है। जैसे ही आप एडिट पर जाओगे, तो आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है हैप्पी दिवाली, तो आपको सिंपली यहाँ पर हैप्पी दिवाली टाइप कर देना है। जैसे ही आप हैप्पी दिवाली टाइप करोगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फिर से कर देना है ओके, और आपको सिंपली इस हैप्पी दिवाली वाले टेस्ट को नीचे लाना है, और आपको सिंपली यहाँ से फिर से जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन पर, और आपको सिंपली यहाँ से फिर से किसी फॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉन्ट है वह सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से लगा देना है। जैसे ही लगा दोगे, आपको सिंपली फिर से क्या करना है कि फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना है, और आपको सिंपली फिर से टेस्ट को सिलेक्ट करना है, और आपको फिर से एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर कुछ इमोजी लगानी होगी, जैसा मैं लगा रहा हूँ, तो आप वैसा भी लगा सकते हो, तो आप लगा लीजिएगा।
जैसे ही आप इमोजी को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, और आपको सिंपली इस इमोजी को यहाँ पर नीचे की तरफ ला लेना है इतने में कुछ, और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देना है जिससे कि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पर फोटो बैकग्राउंड है वह अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है वीडियो बनाने के लिए। तो आपको सिंपली इसको सेव करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको सिंपली देखिए यहाँ पर कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो अल्ट्रा का ऑप्शन है आपको सिंपली अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है सेव टू गैलरी। तो आपको सिंपली सेव टू गैलरी पर कर देना है क्लिक, जिससे कि हमारा जो फोटो है वह सेव हो जाएगा। अब आपको सिंपली चले जाना है अलाइट मोशन एप्लीकेशन पर, जहाँ पर आगे की प्रोसेसिंग होगी। तो चलिए हम चलते हैं अलाइट मोशन एप्लीकेशन पर। तो देखिए गाइस हम आ चुके हैं अलाइट मोशन की एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप अलाइट मोशन की एप्लीकेशन पर आओगे उसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ देखिए एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा बीच में, तो आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। प्लस वाले आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर एक साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है, जिस साइज़ को मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है 9x16, तो आप सिंपली इसी साइज़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप साइज़ को सिलेक्ट करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक। जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों हमारा जो अलाइट मोशन एप्लीकेशन है वह वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो आपको सिंपली अब उस फोटो को ऐड करना होगा जिस फोटो को आपने अभी अभी एक्सपोर्ट किया था पिक्सल वे एप्लीकेशन से। तो आपको सिंपली उस फोटो को ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर कोने में प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर चले जाना है मीडिया पर, और आप देख सकते हो कि हमारी जो फ़ोटो हमने अभी एक्सपोर्ट की थी वह आपको दिख रही है। तो आपको सिंपली उस फोटो को यहाँ पर कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही फ़ोटो को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको सिंपली इस फोटो का जो साइज़ है तो आप सिंपली यहाँ पर 5 सेकंड कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर 5 सेकंड का वीडियो बनाऊँगा, तो आप सिंपली 5 सेकंड ही करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा, नहीं तो हमारा जो वीडियो है वह अच्छी तरह से यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर 5 सेकंड का कर लीजिएगा। जैसे ही आप 5 सेकंड का कर लोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक म्यूजिक ऐड करना होगा, जिस म्यूजिक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो उस म्यूजिक को। आपको सिंपली म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको सिंपली फिर से प्लस वाले आइकन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऑडियो वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और आपको देख सकते हो यहाँ पर व्यूज एल वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली वहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपली एल्बम्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपको सिंपली जो आप अभी म्यूजिक डाउनलोड करोगे हमारे लिंक से तो वह आपके सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो आपको सिंपली उसी म्यूजिक को यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे ही आप म्यूजिक को ऐड करोगे तो आपको सिंपली क्या करना है कि उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से थोड़ा सा बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद देखिए दोस्तों मैं आपको एक XML फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको सिंपली उसी XML फाइल को आप सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली उस XML फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। जैसे ही आप XML फाइल को सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिंपली इस वाली लेयर पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक, और आपको देखिए नीचे की तरफ इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कोने में आपको 3 बिंदी वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, और जो इसका इफेक्ट है आपको सिंपली इसी इफेक्ट को यहाँ पर कर देना है कॉपी। जैसे ही आप कॉपी करोगे तो आपको सिंपली यहाँ से फिर से बैक चले जाना है, और आपने जो प्रोजेक्ट अभी न्यू बना रहे थे आप अभी वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आपको सिंपली उसी प्रोजेक्ट पर चले जाना है। जैसे ही आप उस प्रोजेक्ट पर आओगे उसके बाद आपको सिंपली कर देना है यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक, और आपको सिंपली यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर 3 बिंदी पर क्लिक करके आपको सिंपली जो आपने वहाँ से इफेक्ट को कॉपी किया था तो आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है पेस्ट। जैसे ही आप पेस्ट कर दोगे तो हमारा जो वीडियो है वह यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको देखिए कोने में दिख रहा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, तो मैं सिंपली अभी एक्सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमारे देखिए यहाँ पर ऑडियो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस फोटो के अंत तक लाना है आपको इस लेयर को, और उसके बाद आपको सिंपली ऑडियो पर क्लिक करना है, और इस तरह जो ऑडियो है तो आपको सिंपली उस ऑडियो को यहाँ पर कर देना है कट। जैसे ही आप कट कर दोगे तो आप सिंपली यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको सिंपली एक्सपोर्ट करने के लिए आपको देखिए कोने में एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है एक्सपोर्ट पर क्लिक। तो चलिए हम एक्सपोर्ट पर कर देते हैं क्लिक। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो वीडियो है वह यहाँ पर सेव हो चुका है।
तो आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद हमारा जो यह वीडियो है, यह जो हमने अभी अभी एडिट किया है, तो वह हमारा वीडियो वह अच्छी तरह से गैलरी में सेव हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।